तो सवाल है कि क्या एक दिन पूरा अफ्रीका रेगिस्तान हो जाएगा क्या एक दिन पूरा अफ्रीका बंजर हो जाएगा आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे मेरा नाम है राही मेहता चैनल का नाम है सब आइए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो मुद्दा है कि आज के इस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो को देखते हुए ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर पड़ रहा है और फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा या पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो बंजर हो जाएगा वो रेगिस्तान हो जाएगा तो इस वीडियो में इस पूरी बात को

सुदानियन सबाना या फिर रिवन बेसिन या फिर रेन फॉरेस्ट मौजूद है इलाके का नाम है सहेल ये सहेल का जो इलाका है लगातार अफ्रीका के अंदर इसमें डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होती जा रही है ये इलाका लगातार फैलता जा रहा है हर साल लगभग अफ्रीकन डेजर्ट या सहारन डेजर्ट 48 किलोमीटर अपनी लेंथ इंक्रीज कर रहा है जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर यह पूरा इलाका यह पूरा रेन फॉरेस्ट का इलाका भी धीरे 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 बंजर हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर हर साल लगभग 24 बिलियन टन मिट्टी जो है वो इरोड होती जा रही है वो अपने इलाके से बाहर निकलती जा रही है और अगर हम पूरे अफ्रीका की बात करें तो लगभग 60 से पैंसठ परसेंट पूरे अफ्रीका का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो आज की डेट में डेजर्टिफिकेशन को फेस कर रहा है डेजर्ट लाइक -like कंडीशन को फेस कर रहा है इसे और आगे समझते हैं ये सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है वैसे तो सिचुएशन ये पूरी दुनिया की ही समस्या है पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर साउथ अमेरिका में अफ्रीकन रीजन इंडियन एशिया एंड इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हर एक इलाके में हमको ये प्रॉब्लम देखती हुई मिल रही है डेजर्टिफिकेशन उसके साथ साथ सॉयल डिग्रेडेशन उसके साथ साथ वाटर स्कासिटी ये सभी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं अगर हम इसको एनालाइज करें देखिए नॉर्थ अमेरिकन रीजन के अंदर ओवर कल्टीवेशन के चलते ओवर क्रॉपिंग के चलते मोनोकल्चर के चलते यहां पर लैंड डिग्रेड हो रही है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है सिमिलर समस्या आपको अफ्रीका ये साउथ अमेरिका के अंदर अमेजोन बेसिन में भी देखने को मिल रही है जहां पर डिफोरेस्टेशन के चलते डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज कर रहा है एंड साहेल एंड अफ्रीका के रीजन के अंदर भी क्रॉप फेलियर वॉटर स्कॉर्सिटी या फिर ओवर ग्रेजिंग या फिर डिफोरेस्टेशन इन सभी सिचुएशन के चलते इन पूरे इलाकों के अंदर धीरे 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 लैंड डिग्रेड हो रही है डेजर्टिफिकेशन बढ़ती जा रही है अफ्रीका हर साल लगभग थ्री मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो डिफोरेस्ट कर रहा है इसके चलते अफ्रीका सबसे ज्यादा गंभीर समस्या से जूझ रहा है एंड इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जिनको अभी हमने डिस्कस किया जैसे कि अफ्रीकास्टेशन का और अन्य जितने भी इलाके हैं वहां पर भी अपने अपने कारणों से डिफोरेस्टेशन या डेजर्टिफिकेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है पूरे अफ्रीका का एट्टी इलाका जो है वो आज की डेट में वर्ल्वल है जिसके अंदर डेजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है आप देखो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है लगभग अगर आप इस इलाके को छोड़ दो जो कोंगो रेवन का इलाका है उसको अगर हम छोड़ दे इस बेसिन को छोड़ दे तो पूरे एरिया के अंदर हमको डेजर्टिफिकेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी अब ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाता है इसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसिस हैं हमने हाल फिलहाल में न्यूज के अंदर देखा कि नमीबिया के अंदर जो सरकार है अफ्रीका में जो एक देश है नमीबिया वहां पर जो सरकार है वो अपने 723 वाइल्ड एनिमल्स को बुचर करने जा रही है स्लोटर करने जा रही है ताकि वो अपने लोगों का पेट भर सके ये सिचुएशन कैसे पैदा हो गई जैसे जैसे पूरे अफ्रीका के अंदर डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है उसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी ये सभी खतरे में आती जा रही है वोटर स्कॉसिटी वोटर क्राइसिस ये बढ़ता जा रहा है इन सब चीजों के चलते क्रॉप फेलियर बहुत आम बात

अब इतनी गंभीर समस्या है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो वर्ल्ड कम्युनिटी को करना करना पड़ेगा इस सिचुएशन से निपटने के लिए इसको यहीं पर थाम देने के लिए तो दुनिया में कुछ ऐसे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं जिसके चलते ये स्थिति जो है वो कंट्रोल में लेकर आई जा सके जो कि है ग्रीन वोल प्रोजेक्ट अफ्रीका के अंदर ग्रीन वोल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके चलते सहारा डेजर्ट में लगभग 8000 किलोमीटर लंबी एक चेन बनाई जा रही है फॉरेस्ट की एक लाइन बनाई जा रही है फॉरेस्ट की ताकि डेजर्ट को वहीं पर रोका जा सके एंड दूसरे इलाकों की जमीन को डिग्रेड होने से बचाया जा सके वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वैसे ही चलती रहे जैसे पहले चलती आ रही थी वहां पर जैसी समस्या से और ज्यादा जो प्रॉब्लम से रोका जा सके तो द ग्रेट ग्रीन बोल जो है ये अफ्रीका के ईस्ट से शुरू होगी और पूरे अफ्रीका को ट्रवर्स करते हुए रेड सी की बाउंड्री तक जाएगी अटलांटिक से रेड सी या फिर अटलांटिक से अरेबियन सी तक ये पूरा इलाका जो है वो अफ्रीका अफ्रीका के अंदर ग्रीन कर दिया जाएगा यहां पर फॉरेस्ट उगा दिए जाएंगे इससे क्या होगा ये जो सहारा डेजर्ट जो सदन पोर्शन के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है ये इस ग्रीन बेल्ट होने के चलते अपने इलाके में ही सीमित रहेगा दूसरे इलाकों तक स्प्रेड होने से ये बच जाएगा तो इनिशिएटिव तो किया गया कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है जो भी इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद है अगर हम वेस्ट से बात करें तो सेनेगल इसका पार्ट है मोरिशियनिया इसका पार्ट है माली कंट्री भी इसमें सिचुएटेड है बर्कीना फासो नाइजर नाइजीरिया चैड एरिट्रिया दिजीबूती सुदान एंड इथियोपिया इथियोपिया का होना तो बहुत जरूरी है क्योंकि इथियोपिया की 75% लैंड जो है वो आज की डेट में डिजर्टिफाई हो चुकी है डिग्रेड हो चुकी है इथियोपिया सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है पूरे अफ्रीका के अंदर डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड फेस कर रहा है इसी के साथ साथ ड्रिप इरीगेशन को इस एरिया के अंदर प्रमोट किया जा रहा है इसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन को प्रमोट किया जा रहा है एंड एक नई चीज निकल कर आई क्रॉप रोटेशन जैसे रोटेशन जब इसमें हम क्रोप्स को रोटेट करते हैं कि एक बार एक फसल लगाई जाएगी उसके बाद अगले सीजन के अंदर दूसरी फसल लगाई जाएगी वैसे ही जहां पर एनिमल्स ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं उस ग्रेजिंग लैंड को भी रोटेट करना जो है वो यहां पर शुरू किया गया है ताकि एक ही इलाका एक ही इलाके में अगर जानवर बार बार घास चढ़ने के लिए जाते रहेंगे तो वहां पर घास को या प्लांट्स को ग्रो होने का टाइम नहीं मिल पाएगा पर अगर हम उस इलाके में लाइफ स्टॉक को लगातार रोटेट करते रहेंगे कभी इस इलाके में ले गए इस सीजन में फिर दूसरे रीजन के अंदर ले गए अगले सीजन के अंदर तो उससे सारे जो ग्रासिस हैं या प्लांट्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे धीरे धीरे उनको रीग्रो करने का जो टाइम है वो मिलता जाएगा दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अगर हम वापस जहां से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था वहां पर आए कि क्या पूरा अफ्रीका जो है वो एक दिन रेगिस्तान हो जाएगा

लिए कदम उठा लिए अफ्रीकन यूनियन एंड रहे हैं भारत भी अपनी कंट्री के अंदर काम कर है और हम ये होप करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से दुनिया बच सके हम भी बच सके अफ्रीका भी बच सके और ये इन डिफीट करने में कामयाब रहे तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े